दोस्तों, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ और मैं दिल्ली में हूँ इस वक्त। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर खान। क्या नाम है पूरा आपका? आपकी समीर खान अभी देखते हैं, उधर ले आएंगे। फोटो चली गई भाई। जी सर, अभी ठीक है, अब आ गई आगे इतनी बैठा हूँ, इससे बात करूंगा आवाज थोड़ी आ रही है बहुत। आपको? पूरी आवाज जी सर, आ रही? जी 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 समीर खान बताएं, समीर खान क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए, बताएं कहाँ से बोल रहे हैं, कौन से शहर से बोल रहे हैं? सर, हम यूपी गोरखपुर से बोल रहे हैं और चंडीगढ़ नाना में जी सारथी एडवाइजर नाम का एक ऑफिस है, वहाँ पे हमने अपना पासपोर्ट अप्लाई कराया था अभी 1 महीने पहले। तो वहाँ पे सर वो बुलाए थे, हम ऑफिस गए तो कुछ मतलब उनको हमने 2,000 पेमेंट किया था ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, और वहाँ पे जाने के बाद हमसे 21,000 और मांगे। तो मतलब हमसे बात हुई थी कि पहले आपको हम वहाँ पे भेज देंगे कनाडा में, फिर आप हमको पेमेंट देना, लेकिन अब वो नहीं कह रहे हैं कि आपको 21,000 यहाँ पे जमा करना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ पे भेजेंगे। ऑफ़र लेटर दिखाए तो ऑफ़र लेटर हमको मतलब सही नहीं लगा। खान साहब, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुन ले भाई साहब, सुन ले मेरी बात। जी ये सब फ्रॉड है, ठीक जी है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं किसी को जानता हूँ, ना मेरा किसी से ताल्लुक है। जी सर लेकिन 2,000 और 21,000 और इसमें वीज़ा मिलना और क्या मिलना, जॉब ऑफर मिलना, ये सब बोगस है। ऐसे कभी किसी को वीज़ा नहीं मिलता, इसलिए चुप करके अपने पैसे वापस लेने, यही मैं कह सकता हूँ आपको, ठीक जी है? चुप करके अपने पैसे वापस लेने। बाकी सब अगर उनके पास असली जॉब है तो उनसे कहना कि भाई मेरे को कॉल कर दें, मेरा नाम ले दें, उनसे कहना कि मेरे को कॉल करके मेरे को दिखा दें क्या जॉब है। उससे पहली बात तो ये, उनके पास लाइसेंस है नहीं कनाडा का, कोई ना लॉयर है ना कोई ICCRC रेगुलेटेड कंसल्टेंट्स हैं। कैसे जॉब बेच रहे हैं वो, कैसे जॉब दे रहे हैं, कहाँ से जॉब आया, जॉब अप्रूव्ड है कि नहीं है, उससे पहले कितने लोगों को भेज चुके हैं वो इस वीज़े पे, कुछ हमें मालूम नहीं है, ठीक जी सर, हम है? तो ऑफिस गए तो उन ऑफिस में अपना मतलब अब कुछ ऐसा लाइसेंस वगैरह नहीं था। क्या था? हम उनके ऑफिस गए थे लेकिन ऑफिस में कुछ उनका लाइसेंस वगैरह चाहे कुछ और आदमी वहाँ पे नहीं थे, केवल 3 लेडीज ही बैठी थी और जिनसे बात हुई वो मतलब वहाँ पे थे नहीं। फिर भी आप 2,000 दे आए? नहीं, वो ऑनलाइन बोले कि आप दे दीजिए मतलब ट्रस्ट करके हम आपको मतलब दे देंगे वीजा, आपको मतलब भेज देंगे। यार वीजा उनके क्या घर में कोई प्रिंटिंग मशीन लगी है कि पैसे दे दो वीजा भेज देंगे? वीजा कैसे हो भेज देंगे यार, आप समझो। खान साहब, बस मैं आपसे माजरा चाहता हूँ, एक्चुअली मैं कुछ ज्यादा बोल गया, लेकिन ये सब फ्रॉड है भाई। जी और अपने जमा पूंजी बचाएं, अपना गोरखपुर में काम करें, वो ज़्यादा अच्छा है। वहां तो आपके गोरखपुर के, तो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां से ही थे, है ना? वहीं जी से हैं सर वो जी विधायक? जी हाँ, तो गोरखपुर में क्या हो रहा है, नौकरी चल रही है आपकी, क्या हो रहा है वहां पर, क्या काम करते हो? कारपेंटर का काम करते थे लेकिन वो मतलब कॉल किए वेबसाइट विजिट करके और उनसे बातचीत हुई तो वो बोले कि हम आपको 1-1.5 लाख सैलरी दिलवा देंगे और फ्रूट पैकिंग का काम मिलेगा आपको। अरे जी, फ्रूट पैकिंग में 1-1.5 लाख तो बन ही नहीं सकते, किसी की भी नहीं बने आज तक। मैं चैलेंज करता हूँ जो अभी कनाडा में भी बैठे हैं, अगर फ्रूट पैकिंग में 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह कमा रहे हैं, डेट मीन्स क्लोज टू $2,200 और समथिंग, रेगुलर वर्क में इस पॉसिबल नहीं है। जी बाकी सर पता नहीं यहाँ पर क्या क्या ऐसे, यहाँ पर इंडिया में बैठे लोग तीर छोड़ रहे हैं कि हो जाएगा इस स्थान पर, यहाँ पर। तो मैं आपको सिर्फ इतना मैसेज देना चाहता हूँ भाई कि आप जितने पैसे आपको मिलते हैं वापस लेने, और उनको दूर से सलाम करें, और उसको अपना काम और करें दूसरा, जी सर ठीक है जी? थैंक यू, थैंक यू। जी थैंक्स सर।